नमस्कार उर्मिस कुकिंग चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे रवे और दही से स्वादिष्ट नाश्ता। तो चलो तैयार करते हैं। मैं एक ठो कटोरी ली हूँ और हाफ कप सूजी, उससे आधा दही, पानी और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक ली हूँ मैं, अब डाल देंगे बर्तन में रवा, दही और पानी। कम लें ज़्यादा ना लें, डो ढीला हो जाता है। पहले स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब उसमें जितना लगेगा पानी देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। डो अगर ढीला बन जाए तो नहीं बनता है। अब ढक देंगे इसको 20 मिनट के लिए। कढ़ाई हूँ, उसमें 2 चम्मच तेल डालकर छोड़ देंगे। अब देखिए मैंने क्या क्या सब्ज़ी ली है। प्याज, शिमला मिर्च, कड़ी पत्ते, गाजर, हरी मिर्च, मूंगफली के दाने, उबले हुए आलू और कुछ धनिया की पत्ती, और जो रवे को हमने दही से फुलाया था। डो तैयार है, तो पहले स्टफिंग बना लेंगे हम लोग। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा। थोड़े चला लेंगे ताकि अच्छे से चटक जाए। फिर हरी मिर्च, कड़ी पत्ते डाल दिए हैं हमने। प्याज डाल देंगे हम लोग, मूंगफली के दाने भी डाल देंगे। सबको थोड़े चलाएंगे। पहले से रोस्ट किया है मूंगफली दाना है। गाजर डाल दी, शिमला मिर्च डाल दी मैं। अब सब्जियों को थोड़ी चलाते रहेंगे। अगर आपका मूंगफली दाना रोस्टेड ना हो तो पहले मूंगफली दाना को थोड़ा सा तवे में चला लें। मेरा रोस्ट है इसलिए मैं सब्ज़ी में ही डाल दी। और कम आंच में थोड़े सब्ज़ी को अच्छे से पकने दें। उसके बाद जो उबले हुए आलू हैं उसको डाल देंगे हम लोग। आलू डाल चुके हूँ मैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा काला मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे हम। हाफ चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। अब सभी को अच्छे से मिला देंगे। सब सब्जी में आलू और मसाले अच्छे से कोट हो जाएं। इस नमकीन नाश्ते में स्टफिंग का ज़्यादा रोल होता है। स्टफिंग जितना भी टेस्टी बनाओ उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा नाश्ता में। इसलिए अच्छे से मिक्स करके अच्छा स्टफिंग बनाएं। तो हम लोगों का स्टफिंग रेडी हो गया। इसको अलग कर देंगे आप जो डो बनाए हैं उसका। हम लोग लोई बना बना कर अब इसमें स्टफिंग भरेंगे। उड़ीसा तरफ नमकीन मड़ा बोलते हैं, नमकीन भरा बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी में उसको। तो लोग चावल से बनाते हैं, मैं रवा और दही से बनाई हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है रवे और दही का। ये नमकीन मड़ा कहिए उड़िया में या तो फरा भी कहिए, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। इसको हम लोग भाप से बनाएंगे। ज़्यादा तला हुआ भी खाना ठीक नहीं है।
ऐसे नाश्ता बनाएं, खाएं, बहुत ही अच्छा है। और जिस भी नाश्ते में दही डलता है उसका टेस्ट बढ़ जाता है। देखिए इसी तरह सभी को हम लोग बना लेंगे। अगर आपका डो थोड़ा ढीला लगे तो आप मैदा या आटा थोड़ा लेके कर सकते हैं। देखिए सभी को मैं बना ली हूँ इसी तरह से। मैंने एक बर्तन में पानी चढ़ाया था, पानी उबल रहा है। एक तो चलनी डालकर उसमें ऑयल लगा दे रही हूँ। इसमें जितना बनाए हैं हम लोग नमकीन परे को डाल देंगे। ये एक तरह से समलपुरी डिश है। देखिए स्टीम किया हुआ परा रेडी है, स्टीम हो चुका है। चाकू से देखेंगे हम लोग, अगर नहीं चिपकेगा चाकू में तो जान लीजिए कि हो गया है। थोड़े पलट देंगे, अगर ऊपर साइड नहीं हुआ होगा तो ऊपर साइड भी हो जाएगा। पलट कर फिर 5 मिनट के लिए ढक देंगे। देखो मैं निकाल ली हूँ और ठंडा भी कर दी हूँ, प्लेट में निकाल दे रही हूँ। और पैन को मैंने चढ़ाया है, देखिए इसमें सौंफ डालेंगे। अब मैंने 1 चम्मच तेल डाला है, ज़्यादा तेल का भी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। 1 टेबल स्पून तेल ही काफ़ी है। कुछ राई के दाने, थोड़ा सा जीरा और 7-8 कड़ी पत्ता, 1 चम्मच नारियल का बुरादा, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। सभी को थोड़ा चला लेंगे। देखिए हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको डाल देंगे इसमें और थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे टेस्ट के लिए। कुछ धनिया की पत्ती डाल देंगे और अच्छे से सभी को मिला लेंगे। टेस्टी नमकीन रवे का नाश्ता तैयार है। सुबह सुबह नाश्ते में खाएं, इसमें ऑयल नहीं डला है ज़्यादा, बहुत टेस्टी होता है। ऐसा बनाएं, कमेंट करें, लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।